बैठक में थे। पीछे कीजिए ना, अरे साहब आगे खड़ा यहाँ मैं मंगल पांडे, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। स्थापित करें और जो काम करे आपके लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार आपके कमिटमेंट्स और गारंटी के साथ काम पूरे किए हैं, उसके लिए जरूर आग्रह करूंगा कि एक एक मतदान करके देश को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास। लालू जी ने अभी कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए ना, अगर प्रधानमंत्री रिजर्वेशन के हिमायती हैं तो मुसलमानों को ही मिलना चाहिए। देखिए, स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। नहीं, ये तो आतंक वो स्वयं जानते हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बिहार के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त रहे, बिहार का डेवलपमेंट खत्म हो गया, बिहार में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, आज भी लालू जी के नाम से लोग डरते हैं, यही है बिहार में प्रमाण। प्रचरण स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किसके बनने जा रही है, और जो लोग कहीं ना कहीं देश को कमजोर किए, देश के लोगों को डराने का काम किए, उग्रवादियों को, अपराधियों को नेता बनाए, वैसे लोगों से बिहार मुक्त होगा। जो बिहार में नरसंहार करवाया, बिहार में उग्रवाद को पैदा किया और पोषित किया और उग्रवादियों को सदन तक पहुंचाया, ऐसे लोग बिहारी का हितैषी नहीं,
और बिहारी प्रतिभा का दमन करके पलायन के लिए विवश किया। आज का चुनाव में जनता उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के लिए, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए खुल करके अपना वोट डालेगा। लालू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और यहाँ पर आतंकराज, जंगल राज कहकर डराया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। इनका बस चलता तो ये उग्रवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी के लिए विशेष रिजर्वेशन निर्धारित करते, लेकिन जनता इनको समेट करके 22 सीट पर सिमटा दिया, विपक्ष में बनने के लायक नहीं रहने दिया। माई और बाप का समीकरण काम नहीं आया। ऐसे लोग बिहारी को लज्जित और अपमानित किए हैं और इस मानसिकता के लोग बिहार के कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। इस बार कितने परसेंट मेटेंगे? 2025 में 25 सीट नहीं ला पाएंगे। हर बिहारी अपना भविष्य बचाने के लिए कफन बांध कर निकलेगा बिहार में, क्योंकि बिहारी शब्द को कलंकित और अपमानित करने वाले लोग को अब आने वाला मेरा पीढ़ी नहीं भोगेगा। ऐसे पाप के कारनामा से मुक्त बिहार को करना हर बिहारी की जिम्मेवारी है। लाल यादव ने कहा है जंगल राज की बात करके अमित शाह यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। अरे जंगल राज नहीं, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता धन्यवाद दे रही है कि ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के हाथ में बिहार की सत्ता थमा दी गई थी। आज उससे मुक्ति के लिए सारे हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने निर्णय लिया है, नहीं तो आज ये चुनाव में वोट नहीं देता, फिर जिन निकलता और बिहार की जनता अपने घर में सिसकता।